अपनी फ्लाइंग मशीनों के साथ इन निराले इंसानों के लिए आसमान एक विशाल कैनवास है। टीम टीबो का एयर शो दस्ता 3000 मीटर की ऊंचाई पर हवा में संदेश उकेरता है। जर्मनी में स्काई राइटिंग के ये उस्ताद हैं। मैंने सबसे पहले फ्लोरिडा के एयर शो में ये देखा था। आसमान में कहीं से आकर बादल जमा हो गए थे और मैंने सोचा कि क्या ये अक्षर हैं? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद से कहा कि अपने यहाँ अपने एयर शो में यही करूँगा। 44 साल के टीम आमतौर पर पैसेंजर जेट उड़ाते हैं, लेकिन वो एयर शो पायलट भी हैं। उनके 4 दोस्त भी दस्ते में शामिल हैं। 2020 में टीम टीबो ने स्काई टेक्स्टर नाम की कंपनी खोली, तब से वो आसमान में विज्ञापन रच रहे हैं। सब उनके ग्राहक हैं, फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख हो या कोई हाई फाई मैन्युफैक्चरर या एक स्ट्रीमिंग पोर्टल। मैंने एक चीज नोट की, जब मैंने पहली बार ये देखा कि पायलट के लिखना खत्म होने तक सबका ध्यान वहीं पर टिका रहता है। हमारे आसपास जो विज्ञापन हैं, वे इस कदर इतनी देर तक ध्यान नहीं खींचे रख पाते। हवा में लिखे ये हर्फ सिर्फ 4 मिनट तक ही दिखाई देते हैं। सब निर्भर करता है हवा की रफ्तार पर, हालांकि ये सब है बहुत महंगा। हमें तो कमोबेश हर रोज अपीलें आती हैं कि एक शादी का प्रस्ताव लिख दो या किसी को बधाई लिखनी है। हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं कि इसमें तो इतना बड़ा खर्च आएगा, तो फिर बात जल्दी ही खत्म हो जाती है। जर्मनी के शहर ट्रियर के पास इस एयरफील्ड पर पायलट आखिरी तैयारियों में जुटे हैं। वो निर्धारित रूट देखते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं। सफेद रंग की फूली हुई धाराएं उनके स्मार्टफोन पर एक प्रोग्राम के जरिए रिलीज होती हैं। पायलट पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। बेशक अपने विमान उड़ाकर हम ईंधन भी फूंकते हैं, लेकिन हम उसकी भरपाई दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में क्लाइमेट पार्टनर प्रोजेक्टों के जरिए कर देते हैं। हवा में हर्फ की सबसे बड़ी चुनौती है वी फॉर्मेशन में उड़ान लेते हुए सीधी रेखा में जाना और उसमें टिके रहना। सिर्फ अनुभवी एयर शो पायलट ही ये करामात कर सकते हैं। उड़ान के वक्त हम काफी तनाव में होते हैं, ये बड़ा पेचीदा होता है, कई सारे काम करने होते हैं। तब तक खुशी हासिल नहीं होती जब तक कि अपनी बनाई तस्वीरें ना देख लें। टीम टोबो और उनके स्काई टेक्स्टर दस्ते की बदौलत आसमान में कुछ संदेश झिलमिला उठते हैं, भले ही पल दो पल के लिए।